सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्पाइस फॉर लाइफ में। तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो बनाते हैं आज की हमारी स्पेशल रेसिपी, जो कि है राइस खीर। ओहो, सावन की खीर तो हर किसी ने खाई होती है, और बोलते हैं ना कि सावन में खीर नहीं खाई तो क्या किया। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। तो बनाते हैं आज की हमारी स्पेशल सी रेसिपी, जो कि है खीर। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, आप हमेशा बड़ी कढ़ाई लें जिसमें दूध से डबल क्वांटिटी हो। अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो एटलीस्ट जो आपकी कढ़ाई हो उसमें 2 लीटर दूध डालने की कैपेसिटी हो। तो ये देखिए, हमने बहुत बिग कढ़ाई लिया और दूध को अच्छे से हिलाते हुए हम एटलीस्ट 15 to 20 minutes कुक करेंगे। तो इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे बीच बीच में। अगर मलाई आ भी जाती है तो इसको आप हिलाते रहें ताकि ये बीच में मिक्स होती रहे। तो फिर अब हम इसमें ऐड कर देंगे वो चावल जो हमने भिगा के रखे थे। तो आप आधे घंटे के लिए चावल भिगा के रखें। तो इससे क्या होता है कि चावल जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी से कुक हो जाते हैं और जल्दी से दूध में मिक्स हो जाते हैं। तो इसको हम 20 मिनट के लिए पकाएंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे। लेकिन इसको आप बीच बीच में हिलाते रहेंगे, आप इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, और बीच बीच में आप इसको चेक भी करते रहेंगे ताकि ये अच्छी सी बने। क्योंकि दूध आपको पता है बहुत जल्दी नीचे लग जाता है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ के कहीं जाएंगे। तो ऐसे ही इसको हिलाते रहे बीच बीच में, मलाई जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी दूध में, तो खीर बहुत अच्छी बनेगी। तो जब आपको लगे, आप चेक कर सकते हैं आफ्टर 20 मिनट्स कि आपके चावल जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं, या उसको और टाइम चाहिए। तो आप 20 मिनट के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए। और ये देखिए, बॉयल्स तो सच्ची में मेरा तो मन करने लग जाता है ये बॉयल्स देख के हर चीज़ खाने का। तो खीर तो वैसे भी सबकी फेवरेट होती है, हम बाहर जाके भी खाते हैं, पर नहीं, अब तो हम घर पे ही खाते हैं क्योंकि आपको पता है हम बाहर का आजकल बिल्कुल नहीं खा रहे। तो इसको आप बीच बीच में ऐसे हिलाते रहें और अच्छे से पकाते रहें। ये देखिए, जो दूध है वो थिक हो रहा है क्योंकि वो पक रहा है, और वो अच्छे से मलाई वाली फीलिंग आएगी आपको। वो होती है ना थिक थिक सी खीर, वो बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसको बीच में ढक कर रख दें और ये बहुत अच्छी बन जाएगी। और मैंने इसमें थोड़ी सी इलायची ऐड की है, तो आप 1/2 स्पून इलायची ऐड कर सकते हैं चीनी से पहले। तो मैंने इसको पहले ग्राइंड करके रखा हुआ था और मैंने इसके बीच में डाल दिया है, और साथ में ही मैंने चीनी भी डाल दी है। हमने चीनी सिर्फ 1/2 बाउल ली है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए, कैलोरीज का ध्यान रखते हुए हमने इसमें आलमंड्स और ये कैश्यू और चीनी सब कुछ बीच में डाल दिया है, और ये इलायची, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बिल्कुल लास्ट में आप इसके बीच में किशमिश भी डाल सकते हैं, बट वो बिल्कुल लास्ट में डालें ताकि वो जले नहीं। और साथ में हमने डाले हैं मेलन सीड्स, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। जो खीर होती है उसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट डालें, अच्छा सा बहुत लगता है, कितना भी डाल लें, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली है। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स से भरी हुई खीर भी बहुत अच्छी लगती है, और अगर आप ड्राई फ्रूट्स आपके पास नहीं है राइट नाउ, तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं सिर्फ इलायची डाल के। देखो, बन चुकी है हमारी बहुत ही इजी सी रेसिपी। बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या, हमारी खीर तो बन चुकी है। तो ये लीजिए, सर्व करते हैं और खाते हैं और खिलाते हैं सबको, आहा, सावन की स्पेशल खीर। तो आप इसको पूड़े के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको मैं लिंक डाल रही हूँ, अगर आपको पूड़े की रेसिपी देखनी है तो इस पर आप क्लिक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पाइस फॉर लाइफ।